वीआईपी कैदी की वजह से सब परेशान हैं। अगर गारंटी दी जाती है तो हुकूमत बाहर जाने में रुकावट नहीं डालेगी। नवाज शरीफ के बाहर जाने को सिक्योरिटी बॉन्ड से मशरूत किया गया, वापसी का टाइम फ्रेम भी जरूरी करार। फिरदौस आशिक अवान ने काबीना इजलास के फैसले से आगाह कर दिया, कहा काबीना अरकीन की अक्सरियत ने बैरून मुल्क भेजने की हिमायत की। वजीर आजम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया, डील का तासर दुरुस्त नहीं। एक वीआईपी कैदी के लिए हम सब निडाल और परेशान है और उनकी सेहत वाकई बहुत ज्यादा जो है इस हवाले से डॉक्टर्स के भी कंसर्न है और अदालत के भी कंसर्न है। इंसानी हमदर्दी में ये इजाजत देनी चाहिए, लेकिन एक बात पे जिस पे सबका कंसेंसस था वो कि भी इनको हम अनकंडीशनल रिलीफ नहीं देना चाहिए और हमें जो है उनका श्योरिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी और वो जो उनको फाइन हुए अदालत के फैसलों में जो उनके ऊपर फिक्स किए गए, वो आपको भी पता है कि अदालत ने जो उसके पैरेलल हमें लीगली उनको बाउंड करना चाहिए। और दूसरी बात पे जो कंसेंसस था कि ये वन टाइम वेवर होना चाहिए और तीसरा ये था कि टाइम बाउंड होना चाहिए। कैबिनेट ने उनको एग्री किया कि अगर ये प्रोवाइडेड के ये सारी गारंटीज और श्योरिटीज और इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह देते हैं तो हम जो है वो उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने के लिए फैसिलिटेशन करेंगे और उनके उस इलाज मालजे की रास्ते में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी।